तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की पाठशाला। तो आज अनबॉक्सिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जिस प्रोडक्ट का हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है रियलमी पैड मिनी। ये रियलमी की तरफ से आने वाला एक बजट टैबलेट है और जो कि तीन तरह के वेरिएंट में और बहुत से फीचर्स के साथ आता है। डबल स्पीकर आता है और मेटलिक बॉडी आती है, मतलब एल्युमिनियम की बनी हुई बॉडी आती है। तो इसके बाकी ये फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और जो भी है हमारा कंक्लूजन, आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। आ जाते हैं सीधे हम लोग अपने प्रोडक्ट पर। ये कुछ इस तरह के बॉक्स पैकिंग में मिलता है, ऊपर में एक्चुअल टाइप की फोटो, ये ग्रे कलर वाला है, हालांकि हमारे पास जो कलर है वो ब्लू कलर है। और जो ये वेरिएंट है वो है 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और वाईफाई वेरिएंट है। इसमें दो और वेरिएंट आते हैं, 464, मतलब टोटल चार आते हैं। और प्राइसिंग जो है वो तीन ही तरह की है, 332 वाईफाई, फिर 332 4G मतलब LTE, फिर 464 वाईफाई और 464 LTE। इसमें 464 वाईफाई और 332 LTE दोनों का प्राइस सेम है 13,000। सेल के इवेंट में आपको 12,000 तक मिल जाएगा। ये वाला वेरिएंट जो कि सबसे लोएस्ट वेरिएंट है, जिसमें 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज, ओनली वाईफाई सपोर्ट है, ये आप 10,000 से लेकर 11,000 का ऐसे प्राइस रखा गया, 10,000 तक में मिल जाएगा। और जो हाईएस्ट वेरिएंट है 464 LTE वाला, वो 14,000 से लेकर के 15,000 तक में मिल जाएगा। अभी इसके बारे में बात करें तो साइड में आपको रियलमी पैड मिनी की ब्रांडिंग, नीचे में रियलमी की खुद की ब्रांडिंग, फिर इधर भी रियलमी पैड मिनी और ऊपर में रियलमी की ब्रांडिंग मिलती है। पीछे की तरफ अगर हम लोग देखें इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को, तो अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन है, 7.6 mm ठीक है, ये मतलब काफ़ी स्लिम है। 8.7 इंच की लार्ज डिस्प्ले आपको मिलती है, 6400 mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें जो है 18 वॉट फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। इसमें प्रोसेसर जो है वो है T616 प्रोसेसर, जो कि 2 GHz की क्लॉक स्पीड पर चलता है। और रियलमी UI पैड जो है, UI जो है वो मिनी के लिए है। इसे हम लोग जैसे ही खोलेंगे तो ऊपर की तरफ आपको वो एक्चुअल में पैड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक रैप मिलता है, इसको खोलते हैं, ये हो गया आपका टैबलेट या पैड, जो कि काफ़ी अच्छा है, इसे हम लोग अभी बाद में देखेंगे। बाकी के अगर बॉक्स कंटेंट को देखें हम लोग, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप अगर चाहें तो, वैसे कोई पढ़ता तो नहीं है बट चलिए। फिर उसके बाद से अगर दूसरे वाले बॉक्स में देखें तो इसमें 18 वॉट का आपको चार्जर मिल जाएगा टाइप सी केबल के साथ। हाँ, इसमें पोर्ट जो है वो टाइप सी पोर्ट आता है, तो ये एक अच्छी बात है रियलमी की तरफ से। तो ये आपको चार्जर मिल जाएगा विथ टाइप सी केबल। और एक और चीज़ इसमें मिलती है, वो है सिम इजेक्शन पिन। हालांकि ये सिम वाला वेरिएंट तो नहीं है कि इसमें सिम लगेगा, क्योंकि ये केवल वाईफाई वेरिएंट है, लेकिन हाँ इसमें मेमोरी कार्ड लग सकता है, तो उसके लिए ये पिन दिया जाता है। तो यही सारे बॉक्स कंटेंट हैं, इन सब चीज़ों को साइड करके और सीधे हम प्रोडक्ट पर आते हैं। तो अब इस टैब को हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, इस तरह के प्लास्टिक में मिलता है। और निकालने के साथ ही ये हो गया वो आपका एक्चुअल टैब, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीछे की तरफ से भाई क्या ही लुक है, ये पूरा मेटल बॉडी है, एल्युमिनियम की बनी हुई बॉडी है। यहाँ आपको 8 MP का एक कैमरा मिल जाता है, रियर कैमरा, हालांकि देखने से 80 लगेगा बट ये 8.0 MP है। और 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है यहाँ पर। तो अभी इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं और पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर लेते हैं। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन की अगर बात करूँ तो आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा टाइप सी पोर्ट, यहाँ एक माइक्रोफोन, यहाँ स्पीकर। साइड में, इस साइड में देखेंगे राइट साइड में, तो आपका वॉल्यूम अप डाउन बटन, पावर ऑन ऑफ बटन, पावर बटन। ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक, ये एक अच्छी बात है। MI ने भी अभी एक रिसेंटली अपना पैड लॉन्च किया है, वो 10.2 इंच का है, तो उसमें ये चीज़ नहीं मिलती है 3.5 mm। यहाँ भी एक स्पीकर ग्रिल। इधर साइड में अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपका सिम और मेमोरी कार्ड इजेक्शन ट्रे है। इसे हम लोग जल्दी से ऑन कर लेते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। एंड्रॉयड 11 बेस्ड है, एंड्रॉयड 11 पर चलता है, पावर्ड बाई एंड्रॉयड। बैटरी की यहाँ एक बात बतानी थी कि बैटरी जैसे अगर आप लोग चार्ज करते हो इसकी, तो 6400 mAh की बैटरी है और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो नियरली 2.5 hours लग जाता है इसको फुल चार्ज होने में। 3 hours भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कैसी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरिटी है। अभी ये खुल गया है, इसमें कोई लॉक नहीं लगा, इसे ओपन कर लेंगे हम लोग। ये आपको 8.7 इंच की ये डिस्प्ले मिल जाती है, एमोलेड नहीं है, बता देता हूँ, फुल HD रेडी से थोड़ा ऊपर होती है डिस्प्ले, वो वाली है। और इसमें आपको गूगल क्रोम और बाकी जो भी इंस्टॉल ऐप्स हैं वो कुछ मिल जाते हैं यहाँ पर, रियलमी की तरह ही। ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलता है रियलमी मोबाइल्स के जैसे, UI बिल्कुल लगभग मिलता जुलता है। ऊपर की तरफ भी इसी तरह से आते रहते हैं। अभी यहाँ नीचे आ जाए हम, तो उसी तरह से आपका वो खुल जाएगा मीनू।
तो यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल भी हैं, आप चाहें तो अपने तरफ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग बिना किसी देरी के इसमें सेटिंग में चलते हैं सीधे। सेटिंग में जो आपको चीज़ें मिलती हैं, इसमें एक फीचर मिलता है, इसमें आपको तीन तरह के डिस्प्ले मोड्स मिलते हैं, रीडिंग पढ़ाई करने के लिए और भी काम करने के लिए काफ़ी बेहतर होता है। डिस्प्ले में अगर हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ देखिए तीन मोड्स मिलते हैं, आई कम्फर्ट मोड, रीडिंग मोड और डार्क मोड। इन तीनों को आप साइमल्टेनियसली अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बैक आते हैं, बाकी के जो सेटिंग्स हैं, नोटिफिकेशन, साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी, बैटरी, डिजिटल लेवलिंग एंड पेरेंट कंट्रोल, अबाउट टैबलेट। इसे अगर हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रियल मी पैड मिनी आर एडिशन, प्रोसेसर यूनिसॉफ्ट T616 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 32GB रैम है और उसके बाद से इसमें रैम 32GB डिवाइस स्टोरेज, रैम 3GB, एंड्रॉयड वर्जन 11 है और वर्जन ऑफ कर्नल वर्जन जो है। अभी यहाँ पर हम लोग आते हैं इसके अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा में जो ऐसे तो कोई खास फीचर्स नहीं होते हैं टैब के, लेकिन आप इससे फ़ोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट ले सकते हो। मोर में अगर आओगे तो मोर में आपको प्रो मोड मिलता है, पनोरमा मिलता है, स्लो मोशन मिलता है, टाइमलेस मिलता है, फिल्टर मिलता है, बॉस्ट मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। और हम बात करते हैं बहुत से लोगों को जैसे कि नॉर्मल वर्क के लिए यूज़ करते हैं टैब, कुछ लोग गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पूछेंगे अगर तो क्या, अगर किसी का डाउट है कि क्या इसमें हम लोग गेमिंग कर सकते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं एक नॉर्मल सा गेम पहले इसमें चलाऊंगा, सबवे सफ़र। और एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी है कि इसका टच जो है रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर है, मतलब हल्का सा भी अगर टच होता है, अभी तो इनिशियल फेज़ है, मुझे नहीं पता है आगे लॉन्ग रन में क्या होने वाला, बट इनिशियल स्टेज में अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट इंप्रेशन लुक में बहुत बढ़िया लगा मुझे, बैटरी अच्छी लगी मुझे, एक्चुअली बहुत लंबी चलती है और उसके बाद से टच जो है काफ़ी बेहतर चलता है, अब टच तुरंत जो है इसमें वर्क करता है। अभी हम लोग इस गेम को अगर प्ले करें तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, लाइट भी अगर आपको टच हो रहा है तो ये वर्क करेगा और टच रिस्पांस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं सबवे सफ़र ट्राई कर रहा हूँ और ये काफ़ी मुझे अच्छा चल रहा है। इसमें 3GB रैम है, लाइट गेम्स में खेल सकता हूँ। बाकी अगर अभी इस गेम्स को मैं क्लोज़ कर दूँ, अभी बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये तो भाई हो गया, अभी आप लोग को मैं पहले दिखा देता हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है। अगर कोई इसे नॉर्मल वर्क जैसे MS Excel या वर्ड के लिए ले रहा है तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसमें मैं एक्सटर्नल ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस अटैच करके आपसे मिलता हूँ और उन दोनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो इससे मैंने अपना ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर लिया है और अगर आप लोग को इन दोनों के बारे में जानना है, ये डेल की तरफ से आने वाला एक ब्लूटूथ माउस है और ये ब्लूटूथ कीबोर्ड है। इन दोनों का यही फ़ायदा है कि आपको जो रिसीवर या डोंगल मिलता है वो आपको कहीं कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। कीबोर्ड की बात करूँ तो आप इस ब्लूटूथ कीबोर्ड को तीन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उन डिवाइसेस के बीच में इस स्विच से स्विच कर सकते हो। अगर इन दोनों के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो मैं ऊपर इन दोनों के ऊपर जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उनका मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे भी आप लोग क्लिक करके इन दोनों से रिलेटेड जो भी अनबॉक्सिंग की, इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग और इनके फीचर्स की वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले आपने बोला था गेम के लिए, तो गेम्स की बात करूँ तो एक गेम रन करते हैं हम लोग फ्री फायर। इसमें इस कीबोर्ड में मोबाइल या टैब जो भी आप माउंट कर सकते हो, ये मैं खोल लेता हूँ, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। साउंड भी क्वालिटी आप देख लेंगे, एक चीज़ ऐसा लगा मुझे कि दोनों साइड में डबल स्पीकर है तो साउंड काफ़ी अच्छा आता है, तो वो अभी आपको प्रैक्टिकली दिख जाएगा कि कैसा लग रहा है। तो मैंने गेम्स चलाए थे, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है, लैग भी नहीं देखने को मिला है, तो ऐसे तो कोई नहीं। अभी अभी जो आप लोग के मैक्सिमम लोगों का अभी एक और चीज़ें होती हैं जो कि बहुत से लोग मीडिया कंजम्पशन मीन YouTube के लिए या फिर MS Word या MS Excel में ऑफिशियल वर्क करने के लिए लेते हैं, तो मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग इसमें चीज़ें बहुत बेहतर रन कर जा रही हैं तो मैं अभी यहाँ पे MS Excel खोल लेता हूँ, इसे खोल लिया मैंने और यहाँ से हम लोग एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर लेंगे। ये एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन हो गया, यहाँ पे हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर चाहें हम लोग तो MS Word भी यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए। इधर अगर आप लेना चाह रहे हो, एक अच्छा मतलब कि बैग में फिट आएगा, 10 इंच वाले थोड़े बड़े हो जाते हैं, पकड़ने में भी बेहतर नहीं लगते हैं। यहाँ से हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेंगे, एक ब्लैंक सा ये खुल गया, MS Word के तौर पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जो एक तीसरा होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं है, तो उस हिसाब से आपको AMOLED वाली फील तो नहीं आएगी, बट अगर हम लोग YouTube वीडियोस प्ले कर रहे हैं तो काफ़ी स्मूथली और अच्छे चलते हैं। अगर मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ,
ये वजाहत हसन का सॉन्ग है, वजाहत भाई हमारे, ये भी अच्छे हैं, तो इनका एक सॉन्ग चला लेते हैं। आपको जो लैंडस्केप में जो इसका इंटरफेस मिलेगा वो बिल्कुल एक कंप्यूटर वाला मिलेगा। इसमें कीबोर्ड में प्ले पॉज का भी बटन है, यस इट इज़। तो एक चला के मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग सॉन्ग इन्जॉय करो और आप देख सकते हो कि कैसी साउंड क्वालिटी है इसकी। दोनों साइड से स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। मैं 1080p पर ही से चलाऊँगा, क्वालिटी 1080p, और आप लोग देख लो इसे। तो आपने जैसे कि देख लिया इसे, और अभी हम लोग आ जाते हैं सीधे कंक्लूजन पार्ट पे। वैसे आपको जो भी चीज़ें मैंने बता दी हैं, एक बार और लुक देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह का लुक आता है ब्लू कलर में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कंक्लूजन पार्ट पर आते हैं। तो अगर बात इसकी करें हम लोग, तो अभी इनिशियल स्टेज, इनिशियल फेज़ में तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और 3GB रैम है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर आप एक बजट टाइप खोज रहे हो लाइट वर्क के लिए, मीडिया कंजम्पशन के लिए, लाइक यूट्यूब क्लासेज अटेंड करने के लिए, या फिर जो है बुक्स पढ़ने के लिए, या फिर लाइट गेमिंग के लिए, तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक में मेरे को बैटरी और इसके बिल्ड क्वालिटी और चीज़ों ने जो भी है, डबल स्पीकर परफॉर्मेंस ने इनिशियली तो काफ़ी इम्प्रेस किया है। बाकी लॉन्ग रन में मैं कुछ दिन, 1 मंथ 2 मंथ यूज़ करके से फिर से बताऊंगा मैं कि इतने दिनों बाद यूज़ करने के बाद क्या दिक्कत होती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स को देखना है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ऐसे प्रोडक्ट्स को शेयर भी करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें और पूरा देखें, मतलब कि मैं डिटेल इसीलिए करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।